हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्लाउज 7, IATF का जो क्लाउज 7 है उसके अंदर कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर जो रिक्वायरमेंट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्लाउज 7 और क्लाउज 8 जो है इसके अंदर ही हमारे IATF QMS के 70% डॉक्यूमेंट प्रोसीजर मैनुअल सब इसी में ही 70% तक कवर हो जाते हैं। और जो जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ वो हमारे IATF QMS कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट प्रोसेस या जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं, क्या चाहिए हमारे को? डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर मैनेजिंग कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स, इसका हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए मैंडेटरी। ये कौन से क्लाउज की रिक्वायरमेंट है? 7.1.5.2.1 कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर मैनेजिंग कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स, तो ये हमारे पास होना चाहिए। हमारे QMS के अंदर इसका जो नंबर है वो QSP11 है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी अपनी कंपनी में अलग नंबर हो सकता है। QSP11 हमारा है द प्रोसेस फॉर कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, आपको आ चुका होगा अब तक। इसका फिर टर्टल डायग्राम होगा, टर्टल डायग्राम विथ वट रिसोर्सिस, लेबोरेटरी विथ मास्टर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल लैब से विथ वो स्किल्ड पर्सन हैविंग अ कैलिब्रेशन नॉलेज, प्रोसेस ओनर, HOD क्वालिटी, प्रोसेस क्या है, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, टीम मेंबर कौन होगा, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोसेस इनपुट क्या होगा, लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन टेस्टिंग इक्विपमेंट, एडिशनल ऑफ इक्विपमेंट्स, प्रोसेस इक्विपमेंट और प्रोसेस आउटपुट क्या होगा, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होंगे ये कैसे करेंगे, विथ वट मेथड, रिव्यू ऑफ इंस्पेक्शन टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस इक्विपमेंट लिस्ट विथ वट क्राइटेरिया, नंबर ऑफ केसेस वेयर नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोसीजर जो रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर, जैसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कैलिब्रेशन हिस्ट्री कार्ड होना चाहिए। तो ये हमारे पास कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड जो है ये इसका मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स इंक्लूडिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी सप्लीमेंट, ये इसका प्रोसीजर होना चाहिए हमारे पास TNI का। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स इंक्लूडिंग अवेयरनेस, तो इसका हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए। हमारे QMS के अंदर QSP05 इसका नंबर है, प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, QSP05। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उसके अंदर कवर हो रही है TNI वाली। ये टर्टल डायग्राम है, TNI की जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे न्यू ऑपरेटर और क्वालिटी इंस्पेक्टर है, तो ऑपरेटर है तो इंडक्शन एंड प्लांट विजिट होगा, वेयर ही शी विल बी प्रोवाइडेड इंडक्शन ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब, कंपनी रूल्स एंड मशीन फिटिंग बेस नॉलेज, WI रिलेटेड डिफेक्ट्स नॉलेज, 5S यूज ऑफ PPE बाय कंसर्ट HOD फॉर 4 आवर्स। तो इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पर पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक का अलग अलग प्रोसीजर हो, एक ही प्रोसीजर के अंदर हम 3-4 रिक्वायरमेंट, जैसे HR डिपार्टमेंट की तो उसी में हमने कवर कर दिया, तो एक ही प्रोसीजर के अंदर अलग अलग 4 रिक्वायरमेंट भी हम कवर कर सकते हैं हमारा। इसके बाद है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर वेरीफाई इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी के लिए भी हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। ये हमारे क्लाउज 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास कहां पर है? QSP08 के अंदर हमारे पास द प्रोसेस फॉर इंटरनल ऑडिट, ये इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ये टर्टल डायग्राम है, जैसे कि हमने जो यहां पे कॉम्पिटेंसी लिखी है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग कॉम्पिटेंसी भी कर सकते हैं। ऑडिटर्स शुड हैव ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन इन इंटरनल क्वालिटी ऑडिट बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ये हमने अपने प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है। ऑडिटर शुड हैव वर्किंग एक्सपीरियंस मोर देन 4 ईयर्स, ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑडिट, एविडेंस ऑफ क्लोजर टू बी अटैच विद द ऑडिट NC रिपोर्ट, तो ये कॉम्पिटेंसी हमने दी हुई है। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, जो कि हमारा QSP05 जो है ये HR वाला है, इसके अंदर ही हमने ये कवर किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि दो रिक्वायरमेंट, जो दो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है हमारा एक प्रोसीजर के अंदर आ सकती है।
इसके अंदर जो है एम्प्लॉय मोटिवेशन का है, द प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू डिफाइन द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, रिव्यूइंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द पर्सनल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्वालिटी एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू मेक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर मोटिवेशन और एन एनवायरमेंट टू प्रमोट इनोवेशन मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, तो ये रिक्वायरमेंट हम यहाँ पूरी कर रहे हैं। इसी तरीके से है हमारे इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन हमारे कहाँ कवर हो रही है, QSP 01 के अंदर कवर हो रही है। लिस्ट ऑफ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस, मतलब नॉन मैंडेटरी प्रोसीजर है, आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर लेबोरेटरी मैनेजमेंट, लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट जो क्लाउज 7.5.1.3 के रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हमने QSP 11 जो है हमने अपना प्रोसीजर बना रखा है कि लेबोरेटरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी हमारी QSP 11 में कवर हो रही है। QSP 11 हमारा ये है, इस प्रोसीजर को आप जब पूरा पढ़ेंगे तो इसके कवर हो रही है। इसके बाद हमारा आता है लिस्ट, हमारा आता है लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, लेबोरेटरी स्कोप, एक्सटर्नली लेबोरेटरी का स्कोप होना चाहिए क्लाउज 7.1.5.3.2, इसका हमारे पास लैब स्कोप होना चाहिए, लेबोरेटरी स्कोप QSP 11 के अंदर हमने लिखा हुआ है ये हमारा लैब स्कोप, लैब स्कोप में हमने क्या लिखा हुआ है आइए जानते हैं। जैसे एक्सटर्नल लैब स्कोप हमने क्या लिखा है, द स्कोप इज एप्लीकेबल फॉर मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट FQA 15 हैव इंस्पेक्शन टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्विस, एक्सटर्नल लैब इज एक्रेडिटेड टू ISO/IEC 17025:2017 स्टैंडर्ड, मतलब जो भी लैब ISO/IEC 17025:2017 से अप्रूव्ड है उससे हम अपना एक्सटर्नल लैब से करवाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्लाउज 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, ये हमने FMR 32 के अंदर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, इसका हमारे पास ये फॉर्मेट होना चाहिए, व्हाट नॉलेज इज नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉलेज एंड डिटेल नॉलेज ऑफ ओन डिपार्टमेंट, अवेयरनेस अबाउट कस्टमर ड्राइंग एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ बिग साइज मटेरियल, पैकिंग नॉलेज टू कंसर्न पर्सन एज पर पैकिंग लिस्ट, रिलेवेंट नॉलेज ऑफ प्लानिंग पर्सनल परचेज मार्केटिंग स्टोर डिपार्टमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। इसका लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर, ये हमारे पास होना चाहिए, ये क्लाउज 7.2.3 के रिक्वायरमेंट है, इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, ये हमारे पास FMR 23 के अंदर मिलेगी, तो इंटरनल ऑडिटर मैट्रिक्स इस तरीके का बना होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, इसके अंदर आप यहाँ पे ऑडिटर का नाम लिखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, और वो किस किस के अंदर वो नॉलेज रखते हैं, QMS ऑडिट की रखते हैं, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, सप्लायर ऑडिट, इनमें किसकी नॉलेज रखते हैं, जिसकी रखते हैं उसके आगे टिक कर देंगे, जिसकी नहीं रखते उसके आगे क्रॉस लगा देंगे। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिटर मैट्रिक्स के अंदर वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज है उसको, प्रोसेस नॉलेज, CSR, इन सब की नॉलेज है, तो वहां पे हम टिक कर देंगे, जिसकी नॉलेज नहीं वहां से हम उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है। एम्प्लॉय अवेयरनेस कंट्रोल प्लान FMEA वर्क इंस्ट्रक्शन अवेयरनेस सप्लीमेंटल, ये इसका प्रोसीजर जो है हमने QSP 05 है, QSP 05 आपका प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, इसके अंदर हम इस रिक्वायरमेंट को कवर कर रहे हैं अपनी। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, ये क्लाउज 7.5.1.1 क्वालिटी मैनुअल अपेंडिक्स F के अंदर इस रिक्वायरमेंट को हम अपना कवर कर रहे हैं। CSR मैट्रिक्स, इसका हमारे पास ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट QM 01 रिविजन नंबर अपेंडिक्स F हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, हर एक क्लाउज के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हमारी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्लाउज वाइज हमारे पास लिखा होना चाहिए, किस किस क्लाउज के अंदर क्या रिक्वायरमेंट आ रही है और किस कस्टमर की है वो हमारे पास इसके अंदर कवर होनी चाहिए। इसके बाद रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, ये हमारे पास कहाँ पर लिखी हुई है, क्लाउज 7.5.3.2.1 की रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड रिटेंशन, ये हमने QSP 01 के अंदर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड स्टोरेज लोकेशन एंड रिटेंशन पीरियड, क्वालिटी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स शैल बी रिटेन्ड फॉर 3 calendar years आफ्टर द ईयर इन विच देवर क्रिएटेड, मतलब जब बने उसके 3 साल तक इसका रिकॉर्ड हमारे को रखना है, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड हम बनाते हैं अपनी कंपनी में। रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनल क्वालिटी सिस्टम ऑडिट्स एंड मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी रिटेन्ड फॉर 3 years, ये हम 3 साल तक रखेंगे। द रिक्वायरमेंट डज नॉट सपरेट एनी गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ऑल स्पेसिफाइड रिटेंशन पीरियड इंडिकेटेड अबव शैल बी
कंसाइडर्ड भी हमने जो 3-3 साल जो लिखा है वो कम से कम है, इतने साल रखेंगे, इससे ज्यादा भी हम रख सकते हैं। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से हमारे को रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन करने हैं। एमएसए स्टडी का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, ये कहाँ की रिक्वायरमेंट है, क्लाउज 7.5.1.1 मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, इसके अंदर हमारे पास एमएसए स्टडी का रिकॉर्ड होना चाहिए, एमएसए का प्लान होना चाहिए। तो ये हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है, FQA 07 FQA 08। तो ये ऐसे हमारे पास एक एमएसए का प्लान बना होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम कब करेंगे, इस तरीके से हमारे पास एक एमएसए का प्लान होना चाहिए। ऐसी ये हमारे पास एमएसए का फॉर्मेट भी होना चाहिए। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर इक्विपमेंट, क्लाउज 7.1.5.2 एंड ट्रेसेबिलिटी, दिस इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन, शैल बी रिटेन्ड एज डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास एफक्यूए 12 में है। इस तरीके का हमारे पास कैलिब्रेशन हिस्ट्री कार्ड होना चाहिए, इस फॉर्मेट को हम भरेंगे। ये हर एक गेज का आपके पास होना चाहिए, जैसे टीपीजी है, माइक्रोमीटर है, हमारे पास डीवीसी है, स्नैप गेज है, जो जो से इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ पे उन सबका इनका होना चाहिए। कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ गेजेस एंड इक्विपमेंट, क्लाउज 7.1.5.2.1 कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, ये हमारे पास होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हमारी FQA 11 में कवर हो रही है, फॉर्मेट नंबर। इस तरीके से हम कैलिब्रेशन प्लान बनाएंगे, सीरियल नंबर, गेज साइज, कंट्रोल नंबर, कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, लोकेशन कहाँ पर हमने किस डिपार्टमेंट में किसको दिया हुआ है, वो सब कुछ हमारे पास यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट हम इस फॉर्मेट से पूरी करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स लेबोरेटरी पर्सनल कॉम्पिटेंसी, क्लाउज 7.1.5.3.1 इंटरनल लेबोरेटरी, ये रिक्वायर्ड ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, FQA 15 में हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। FQA 15 में है हमारे पास लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास होना चाहिए, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उनके कंट्रोल नंबर, लोकेशन क्या है, ये सब हमारे पास होना चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एजुकेशन एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, क्लाउज 7.2 कॉम्पिटेंसी, रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये हम कहाँ कवर कर रहे हैं, FHR 02, ये फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, मतलब किसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो सारे का सारा हमारे पास होना चाहिए, ताकि जब हम कोई न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उसकी कॉम्पिटेंसी में हमारे कोई दिक्कत ना हो। प्रोडक्शन का बंदा है तो प्रोडक्शन के बंदे को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्शन हेड है तो 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस, ये नॉलेज हो, सुपरवाइजर है तो ये एजुकेशन हो, इतने साल का एक्सपीरियंस, इस तरीके से ये बना के रखना चाहिए हमारे को। तो ये फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे मेरे से। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स इंटरनल ट्रेनर कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड्स, ये हमारे पास होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाउज 7.2.3 के इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, ये हमारे QMS में FMR 23 डॉक्यूमेंट नंबर है। तो ये इंटरनल ऑडिटर मैट्रिक्स है कि कौन बंदा वहाँ पे, ऑडिटर के नाम लिखे जाएंगे, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन एक्सपीरियंस और उनको क्या क्या नॉलेज है, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट टेस्ट रिकॉर्ड्स, ये क्लाउज 7.5.3.2.1 रिकॉर्ड्स रिटेंशन, ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास FQA 10 के अंदर हम इसको कवर कर देते हैं। और जो ये रिकॉर्ड रिटेंशन है, ये हमने अपने प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है, पहले जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं इन रिकॉर्ड्स का एक रिटेंशन पीरियड होना चाहिए कि रिकॉर्ड रिटेंशन हमारा कितना होगा, ये हमने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ। रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल क्वालिटी सिस्टम ऑडिट एंड मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी रिटेन फॉर 3 ईयर्स, क्वालिटी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स डेट इज कंट्रोल चार्ट इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट्स एंड टेस्ट रिजल्ट शैल बी रिटेन फॉर 3 कैलेंडर ईयर्स आफ्टर द ईयर इन विच देवर क्रिएटेड, मतलब जब बने उसको 3 साल बाद तक ये हमारे पास रहने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हम वहां पर कवर कर रहे हैं, प्रोसीजर में लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग चेंज रिकॉर्ड्स, ये हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास क्लाउज 7.5.3.2.2 का रिक्वायरमेंट है। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, ये रिक्वायरमेंट हम FPD 11 फॉरवर्ड में कवर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास ECN आता है उसको हम इसमें रिकॉर्ड रखेंगे, जैसे जो ECN है वो मास्टर लिस्ट ऑफ ड्राइंग के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, कौन सा पार्ट नेम है, क्या पार्ट नंबर है, रिविजन नंबर क्या है, कौन सी डेट को आया है, और उसके प्रोसेस के अंदर भी इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, कि प्रोसेस जो भी हमारा मशीन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी हम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके का ये रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इस तरीके से क्लाउज 7 के अंदर ये रिकॉर्ड होने चाहिए। यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है।